यूपी के फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में बीते दिन एक सैनिक बस दुर्घटना का शिकार हुई। सैनिकों की बस में शहीद हुए वीर जवानों को नगर में कैंडल मार्च निकालकर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बता दें कि यूपी फिरोजाबाद जनपद के नगर शिकोहाबाद में आज बीते दिन सेना की टुकड़ी को लेकर जा रही एक बस लद्दाख के पास बीच रास्ते में अचानक सैनिकों की बस दुर्घटना की शिकार हो गई। बस में 26 जवानों में 7 जवान शहीद हो गए, वहीं 19 जवान गंभीर घायल हुए, जिन्हें बेस्ट कमांडो हॉस्पिटल हरियाणा में भर्ती कराया गया है। वहीं शहीद हुए जवानों को उपजिलाधिकारी और पूर्व सैनिक लीग की सभी सैनिकों ने नगर के मुख्य मार्ग से हाथों में कैंडल मार्च निकालकर तहसील के पास शहीदों की प्रतिमा के समक्ष कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर शहर के तमाम गणमान्य नागरिक, SDM व शिकोहाबाद पूर्व सैनिक एवं थाने के थाना प्रभारी SI मौजूद रहे। कल 27 मई सुबह 9 बजे हमारी एक सैनिक टुकड़ी जो के अग्रम क्षेत्र में 26 जवानों को लेकर के जा रही थी दुर्गम क्षेत्र में, और वहाँ पर सुलोक नदी में गाड़ी के डिसबैलेंस होने से 60 फीट गहराई पर वाहन क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें 7 जवानों की मौत मौके पर हो गई और 19 जवान घायल हैं, जिनको वेस्टर्न कमांड हॉस्पिटल पंचकुला में हरियाणा में एडमिट किया गया है, जिनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। अभी तक इतनी सूचना मिली है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।